इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि जब आप रील अपलोड करते हो तो आपका रील क्वालिटी काफी ज्यादा बकवास हो जाता है। मतलब आपका फोन में फुल एचडी रील ही रील को आप जब इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो वो अपलोड होने के बाद पूरा बेकार क्वालिटी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से फुल एचडी में रील्स को अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं बताने वाला हूँ ये काफी अलग तरीका है और इस तरीके से आज तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को प्ले स्टोर ओपन करके आप लोग को ये वाला जो एप्लीकेशन है VN सर्च करके आप लोग को इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में। ये वाटरमार्क फ्री है, मैं आप लोग को बता दूं। इंस्टॉल करने बाद आप लोग को ओपन करना है। देन दोस्तों आप लोग को ये जो प्लस वाला आइकन दिखाई देगा आप लोग को, तो सिंपली उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट लिखा होगा उस पर आप लोग क्लिक करना है। एंड आपने जो रील्स बनाए हैं उस रील्स को आप लोग को सबसे पहले गैलरी में सेलेक्ट करना है। उसी रील्स को अभी आप लोग को सेलेक्ट करना है जो भी आप रील अपलोड करने वाले हो। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा, इस रील्स को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी इस रील्स को नहीं करना है। अब आप लोगों को ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा तीर का आइकन, उस पर टैप करना है। एंड देख सकते हो इसका क्वालिटी जो है 1080 मेगापिक्सल क्वालिटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हो जाता है। इसमें अब आप लोगों को ये वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट करना है। और ये वाटरमार्क फ्री है, अब आप लोग को इसमें वाटरमार्क नहीं दिखेगा। क्लिक कर देंगे, अब आप लोग को ओके कर देंगे तो ये वाला जो है आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप लोग को करना क्या होगा, सिंपली से इंस्टाग्राम्स ओपन करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोग को इसमें भी एक सेटिंग्स है, जब इसको इनेबल करते हो तो आपका रील जो है वो फुल एचडी में हो जाएगा। तो चलिए हम रील्स जहाँ से अपलोड करते हैं उस रील्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी वो रील्स को सेलेक्ट करना है जो रील आपने अभी एक्सपोर्ट किए हो, उस रील्स को आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड आप लोग को जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब आप लोग को नीचे आना है, ठीक है। नीचे जैसे ही आएंगे ना तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया क्वालिटी और यहाँ पे अपलोड एट हाई क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, इसको आप ऑफ रखते हो, इसको इनेबल करना है, ऑन करना है, तो आपका वीडियो को क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हो। हालांकि इस क्वालिटी में जब अपलोड करते हो तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसलिए मैं बोला कि VN एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट करके बाद में जब अपलोड करते हो तो आपका जो क्वालिटी है रील्स का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो यही एक तरीका है जो आप फुल एचडी में रील्स को अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी मैं इंस्टाग्राम पर रील या कुछ भी अपलोड करता हूँ ना तो इसी तरीके से अपलोड करता हूँ, और आज तक मेरा जो क्वालिटी है ना वो बेकार नहीं गया है। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो रील क्वालिटी है वो कभी भी बेकार नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।